हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, टायर वन का एग्ज़ाम हो चुका है। आईएआरआई का टायर वन का एग्ज़ाम हुआ और रिज़ल्ट भी आ गया, और कुछ लोगों का रिज़ल्ट ज़रूर हुआ होगा मुझे उम्मीद है। और रिज़ल्ट जिनका भी हुआ है उनको मैं बता दूं कि आपका 8 तारीख को एग्ज़ाम है। ये देखिए, 8 जनवरी को टायर टू का एग्ज़ाम है, और आपको ध्यान रखना है ये सीबीटी एग्ज़ाम है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। वैकेंसी वही है 802। 802 वैकेंसी के लिए आप लड़िएगा, मेंस में है टायर टू। ये 8 जनवरी को एग्ज़ाम है 2024 में। आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, कुछ दिनों में आने वाला होगा। आपको मैं बता दूं इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। आपको देखिए, इसका 8 तारीख को आपको रिपोर्टिंग टाइम 11:30 बजे से 12:30 बजे तक पहुंच जाना है एग्ज़ाम सेंटर पे, और टाइमिंग क्या है 1 बजे से 2:30 बजे तक। ये चीज़ याद रखिएगा आप। और आपको मेन चीज़ आपको बता दूँ दोस्तों कि इसका एग्ज़ाम आपको जो सिलेबस क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। आइए आपको इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले जो ये, लेकिन आपको ये एक चीज़ बता दूँ, ये एक्सपेक्टेड है, हो सकता अभी तक नोटिस शायद आया नहीं है, लेकिन अगर आ जाता है तो आपको यही ज़्यादा उम्मीद है, यही रहेगा। ठीक है, तो आईसीआर का ये जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें देखिए सबसे पहले तो जनरल नॉलेज आपका रहेगा, जो कि हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सभी रहेगा, और मैथमेटिक्स रहेगा, साइंस रहेगा। साइंस में देखिए आप देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेनली बायोलॉजी का वर्ल्ड ऑफ लिविंग चैप्टर जो होते हैं, और अफेक्ट ऑफ द करेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और सोशल साइंस में भी आप ये याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द डिजास्टर मैनेजमेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैथ मैथ का एक आपको बता दूं, ये मैथ का ये जो नंबर सिस्टम और ये अलजेब्रा और मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे क्वेश्चन हर बार मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री और कल्चर, कल्चर उतना नहीं भी पढ़ेगा तो चलेगा, लेकिन हिस्ट्री में आपको मेन मॉडर्न हिस्ट्री ज़रूर थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, और ज्योग्राफी तो पढ़ ही लीजिएगा, बाकी ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेंस के एग्ज़ाम में आप लोगों को सबसे पहले तो जिनका भी हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनका टायर टू का एग्ज़ाम 8 तारीख को, ये सभी पढ़ के ज़रूर जाइएगा। आपका उम्मीद रखिए ज़रूर होगा एग्ज़ाम। बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।